अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम blogger.com पे जाते हैं। यहाँ पे blogger.com पे हमने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। यहाँ से हम अपना न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपने नीचे क्रिएट ब्लॉग पे जाना है, वहाँ से आपने डायरेक्ट गूगल जीमेल से इसको आपने कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग करेंगे। यहाँ पे आपसे ब्लॉगर का पूछेगा कि आपने किस पे ब्लॉग बनाना है। यहाँ पे आप जो ब्लॉगर का नाम देंगे आप उसी के बारे में लाइफ टाइम जो है इस पे पोस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं देती हूँ डाइट के बारे में कि मेरा जो ब्लॉग है वो डाइट के बारे में है, उसके मैं वेट लूज़ के बारे में है और हेल्दी फूड, वेट लूज़ ATC वगैरह। तो यहाँ पर मैं डाइट फूड का बताऊंगी, डाइट प्लान का कि मैंने उस पर बनाया है ब्लॉग, ठीक है ब्लॉगर। उसके बाद आपसे जो भी नीचे क्वेश्चन पूछेगा आपने वो उसी के मतलब जो है ना जवाब देना है। मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है कि वेट लूज फास्ट, तो आपने अपने हिसाब से देना है। यहाँ पे वो आपसे ब्लॉगर का आईडी मांगेगा, आपने अपना ब्लॉगर बनाना है कि आपने किस नाम से बनाना है। तो आपने यहाँ पे कोई भी अपना ब्लॉगर दे देगा, अगर उसके पास पहले अवेलेबल होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे नीचे आपके पास रेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो ब्लॉगर का नाम देंगे वो देंगे यूनिक सा जो आपको याद भी रहे, ठीक है। और उसके बाद ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, आप सेटिंग में जाकर दोबारा देख सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉगर का नाम दिया है और देखते हैं कि ओके करता है कि नहीं करता, ठीक है। ब्लॉगर का नाम मैंने दिया, उसने ओके कर लिया। उसके बाद मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर दूँगी तो मेरा जो है ब्लॉगर का एक ब्लॉगर क्रिएट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप जितनी भी सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल सेटिंग करेंगे कि हमने किस तरह अपनी प्रोफाइल सेटिंग करनी है। यहाँ से वो क्या क्या प्रोफाइल के लिए मांगता है, तो एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक हमारी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह यहाँ पर न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है, किस तरह हम आपने इसको ब्लॉगर को आगे लेके चलना है, किस तरह इस पर ऐड चलाना है, किस तरह इस पर न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सेटिंग पर। यहाँ पर आपने सारी सेटिंग कर लेनी है, जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने वो बता देने हैं, ठीक है। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, यहाँ पे सारी सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको वो सारा बताएगा कि आपने आपकी अर्निंग कहाँ पर आनी है और आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दरकार हैं, कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ से ऑन रखना है, किस चीज़ को ऑफ रखना है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ आप ऑन करना चाहते हैं या जो ऐड करना चाहते हैं वो कभी भी किसी टाइम भी आप इसको सेटिंग में जाके माई प्रोफाइल पे जाके या प्रोफाइल होगा जो भी लिखा होगा आपने उसको क्लिक करना है और वहाँ से अपनी चेंजिंग कर लेनी है। नीचे आपने जब कर लेनी है तो नीचे कंफर्म या सेव या कुछ भी लिखा हुआ आएगा, सबमिट आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह का एक व्यू आएगा, इस तरह का आपकी जो प्रोफाइल बन जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो देन आपने आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, आपके प्यार मोहब्बत का मुझे पता चलेगा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की बनाऊँ और मेरी ये वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने सेटिंग में देखा कि हमने और क्या चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमने न्यू पोस्ट है पुरानी पोस्ट को देखना है, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया है। तो यहाँ अब हम न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। यहाँ पे अब आपने ChatGPT पे जाना है, वहाँ से आपने जो भी आपको लिखवाना है आप उससे लिखवा सकती हैं, ठीक है।
तो इस तरह करके आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने चैट जीपीटी से जो चीज़ें ली थी वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी हैं, पोस्ट पेस्ट कर दी हैं। तो इस तरह का मेरे पास इंटरफेस आ गया है और यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास एक लैपटॉप की तरह इसका सारा व्यूज़ आ जाएगा, जहाँ जहाँ से मैं इमेज भी इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी, अब मेरे पास इमेजेस नहीं है, मुझे याद नहीं रहा, मैंने इमेजेस को डाउनलोड करके नहीं रखा। तो आज की वीडियो में अभी तक मैंने आपको सिर्फ़ इतना ही बताया है। और आपने इसको मतलब के अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट की सेटिंग और पोस्ट कैसे लगानी है ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपने न्यू पोस्ट कैसे करनी है और न्यू पोस्ट के अंदर आपने इमेजेस कैसे लगाने हैं, और मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो बताऊँगी। तो यहाँ पे पोस्ट मेरी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो अल्लाह हाफिज़।